कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, मजे में होंगे। आज हम अपने हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रोड सीरीज के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है वचन। तो चलिए पढ़ते हैं यह पाठ। आप प्रतिदिन अनेक प्राणी, वस्तु या स्थान देखते हैं। रोज आप बहुत से प्राणियों को देखते हैं, स्थान को देखते हैं और बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। तो क्या शब्द का वह रूप जो संज्ञा या सर्वनाम का एक या एक से अधिक होना बताता है, वचन कहलाता है। जैसे ये संख्या में एक अथवा एक से अधिक भी हो सकते हैं। व्याकरण में एक को एकवचन तथा एक से अधिक को बहुवचन कहते हैं। निम्नांकित चित्रों को ध्यान पूर्वक अध्ययन करिए। जैसे एक गेंद, जब एक गेंद है तो वो एक वचन है, एक से अधिक हो गई तो वो क्या हुआ? बहुवचन। गेंद, गेंदे। पेंसिल, पेंसिले। तो वहां एक है तो वो एक वचन है, जब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा मतलब दो, तीन, चार, पांच, कितनी भी हो सकती है, तो वो क्या है? बहुवचन। एक आम, बहुत सारे भी आम ही होते हैं। एक बिल्ली, और जब तीन है तो क्या हो गई? तीन बिल्लियां। एक वचन, जिस शब्द से एक प्राणी, एक वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बत्तख, केला, पुस्तक, लड़का, ये सब क्या है? एक है। बहुवचन वह शब्द है जो एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध कराते हैं, उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे दो बत्तखे, एक था तो बत्तख ज्यादा हो गई तो बत्तखे, केला केले, पुस्तके लड़के, तो यह क्या है? एक से ज्यादा है। वचन का शब्द रचना पर प्राभाव। व्याकरण में प्राय संज्ञा और क्रियाओं के रूप वचन पर आधारित होते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है तो क्रिया हो रही है ना, वो खेल रहा है, तो यहाँ क्या हुआ? लड़के खेल रहे हैं। बिल्ली दौड़ रही है, बिल्लियां दौड़ रही है। इस प्रकार वचन के बदले पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अपवाद, कभी कभी बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं बदलता। जैसे एक फल और अधिक होंगे तो भी फल ही होंगे, एक राजा बहुत सारे भी राजा ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर नहीं बदला, राजा राजा रहा, फल फल रहा। अगर बहुवचन में संज्ञा का रूप ना बदले तो अन्य शब्दों से उसके बहुवचन होने का पता चलता है। बहुवचन का विशेष प्रयोग। कभी कभी सम्मान प्रकट करने के लिए हम एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जब हमें एक ही व्यक्ति को क्या देना है? सम्मान प्रकट करना है, तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा जी पधार रहे हैं, ये थोड़ा ना बोलेंगे महात्मा जी पधार रहा है, नहीं, रहे हैं। गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं, हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि गुरु जी आशीर्वाद दे रहा है, नहीं, दे रहे हैं। मामा जी बाहर बैठे हैं, तो इससे ये लग रहा है कि है तो वो एक वचन, लेकिन उसके लिए हमें बहुवचन का उपयोग किया गया है। शब्दों के एक और बहुवचन रूप। यहाँ ये सब एक वचन रूप है, ये बहुवचन। जैसे रास्ता रास्ते, पुस्तक पुस्तके, लड़का लड़के, सीटी सीटियां, गली गलियां। इसी प्रकार डिब्बा, नाली, चश्मा, ये सब एक वचन है और ये क्या है? उसके बहुवचन। रोटी रोटियां, टोपी टोपियां, चींटी चींटियां, बच्चा बच्चे, धोता धोतियां, मेला मेले, पौधा डाली सभा कली, बुढ़िया माता और रुपया, ये सब एक वचन है और दूसरी तरफ क्या लिखे हैं? उसके बहुवचन। तो प्यारे बच्चों, हमने एक वचन बहुवचन के बारे में पढ़ा।
तो चलिए देखते हैं आपने पाठ में क्या पढ़ा, क्या सीखा। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न एक आप स्वयं करेंगे। चलिए करते हैं प्रश्न दो, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही अथवा गलत लिखो। कपड़े शब्द एक वचन है? नहीं, यह क्या है? बहुवचन। तो हम यहां लिखेंगे गलत। वचन चार प्रकार के होते हैं? गलत, वचन दो प्रकार के होते हैं। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें हैं? बिल्कुल सही, पुस्तक पुस्तकें। नौका का बहुवचन नौके हैं? नहीं, उसका बहुवचन नौकाएं होता है। प्रश्न तीन, नीचे दिए गए शब्दों को एक वचन अथवा बहुवचन में बदलो। रानी रानिया, तोता तोते, पुस्तके तो पुस्तके का एक वचन क्या है? पुस्तक। गलियां गली, डिब्बा डिब्बे, नौका इसका बहुवचन आप स्वयं लिखेंगे। अब हम करेंगे प्रश्न चार, निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलो। कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उन्हें हमें बहुवचन में बदलना है। जैसे कली खिल रही है तो यहां हो जाएगा कलियां खिल रही है। बिल्ली भाग रही है, बिल्लियां भाग रही है। मक्खी उड़ रही है तो इसका बनेगा मक्खियां उड़ रही हैं। कपड़ा रखा है, कपड़े रखे हैं। बाकी के आप स्वयं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने वचन के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।